प्रदूषण को कम करने के लिए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। साथ ही किसानों की आय दुगनी हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि करनाल, कुरुक्षेत्र व अंबाला के 100 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। इसमें आधुनिक खेती तो होगी ही, साथ ही किसी भी गांव में पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। यहां आपको यह भी बता दें कि पराली जलाने से जुड़ी चिंताओं के बीच केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है। ये गांव बर्निंग फ्री होंगे। इस मॉडल से किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इसमें पानी बचाने और फसल पर कम लागत में अधिक आमदनी के तरीके सिखाने पर फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली का यह संयुक्त प्रोजेक्ट है। मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर HS जाट ने बताया कि किसान अवशेष जलाना बंद कर दे तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अवशेष जमीन पर पड़े रहने से नमी बरकरार रहेगी, इससे फसल में एक पानी का कम लगना पड़ेगा। इस विधि में साल में महज 2 बार खेत जोतने की जरूरत होती है, वह भी फसल के हिसाब से। कई फसलों जैसे गेहूं मक्का में इसकी भी जरूरत नहीं होती। डॉक्टर SS जाट ने बताया कि करनाल के 30 व कुरुक्षेत्र अंबाला के 35 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर काम किया जा रहा जाएगा। इन गांवों में फसल अवशेष में आग नहीं लगाई जाएगी बल्कि जमीन में गलाकर खाद का काम करेंगे। देखो, स्मार्ट गांव जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमारा फार्मर स्मार्ट नहीं होता तब तक हम स्मार्ट गांव नहीं बना सकते। जो हमने सबसे पहले 2012 में शुरू किया था स्मार्ट गांव बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, हमने वो 25 जिलों से शुरू किया, 25 गांव से शुरू किया था करनाल जिले के, और उसमें से जो फंडिंग हुई थी वो हमारे को सीमेंट की तरफ से फंडिंग थी और CSSRI और सीमेंट दोनों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया था। जो 25 गांव में जो हमने क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने का जो मकसद था, ये था कि जो हमारी 3 मुख्य प्रॉब्लम्स है हरियाणा की, जहाँ पर हम धान गेहूँ की खेती करते हैं, इन 3 प्रॉब्लम्स मुख्य है। उनमें सोयल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है हमारी, पानी का जो चूहा है वो नीचे जाता जा रहा है, और तीसरा कि जो प्रदूषण हो रहा है वातावरण में, जो प्रदूषण हो रहा है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो कि किसानों के पास हम गए, उनको हमने किसानों को अवेयर किया कि ये प्रैक्टिसेस हैं, यदि आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, चाहे वो प्रैक्टिसेस चाहे आपकी वाटर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लेबर से रिलेटेड हो, इन सभी को ध्यान में रखते हो कि यदि हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो हमारी जो तीनों प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं और हम देश के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं देश के दूसरे किसानों को भी और हरियाणा और पंजाब के दूसरे किसानों को भी, कि ऐसा करने से हमारी तीनों चीज़ें समस्याएं जो है वो चेक की जा सकती है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? किसानों को जागरूक करने के लिए हम सीजन से पहले 1 महीने पहले ही हम कैंपेन शुरू कर देते हैं। जैसा कि यदि आजकल आप देखेंगे तो जो हरियाणा के करीबन 100 गांव है और पंजाब के भी करीबन 100 गांव है, जिसके अंदर कि हम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं, उसके लिए हमने मोबाइल वैन लगा रखी है जिसके ऊपर आप देखोगे कि उसके ऊपर स्लोगन लिखे होते हैं कि पराली जलाने से क्या नुकसान है और पराली नहीं जलाने के क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम हर गाँव के अंदर 40 से 50 किसानों के साथ हर रोज़ हम सभाएँ करते हैं और उनको सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, न केवल पराली जलाने के बारे में कि पराली से क्या नुकसान होंगे, बल्कि इनको ये भी बताते हैं कि आपको गेहूं की बिजाई किस समय करनी है, गेहूं की कौन सी किस्म लगाएं, यदि आपकी ज़मीन कलर ज़मीन है तो कौन सी वैरायटी लगाएं, यदि आपकी सही ज़मीन है तो कौन सी वैरायटी लगाएं, और आप जो उसमें जो आप DAP कब दें, आपका जो नाइट्रोजन का डोज है वो कैसे दें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप अवेलेबल आजकल मार्केट में जिनकी वजह से कि आप नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है देखो, रेस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो जब हम 2012 में जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने वाला सीमेंट के साथ मिलके, उस समय रेस्पॉन्स हमने 25 गांव में शुरू किया था, तो उस 25 गांव का जो रेस्पॉन्स को देखते हुए ये सीमेंट और CSSRI और बाकी स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हम सभी के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करें ताकि जो भी टेक्नोलॉजी फार्मर्स को देनी है सब फार्मर्स को एक पैकेज के रूप में चली जाए। 25 गांव के रिजल्ट्स को देखते हुए हमें ये लगा कि नहीं, किसानों का जो रुझान है बहुत ही अच्छा रुझान है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब 100 गांव के आसपास हमारा करने का हमने लक्ष्य रखा है और हमें उम्मीद है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आगे अगर ये सफल रहा तो आगे और जगह भी सर, यदि ये सफल रहता है तो जैसे मैंने बताया कि हम 25 गांव से शुरू हम 100 गांव तक पहुंच गए, तो यदि ये सफल रहता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे इसको लेके जाएंगे। उसके लिए हमें
जिन भी डिपार्टमेंट्स की हेल्प मिलेगी या जिनसे हम हेल्प के लिए जाएंगे, हमें उम्मीद है कि वो भी हमें हेल्प करेंगे और हम उसको आगे तक ले जाएंगे, ताकि जो हरियाणा में जो पराली जलाने की समस्या है, सोयल की क्वालिटी की समस्या है, अंडरग्राउंड वाटर की समस्या है, इन सभी से निजात पा के हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लें, ताकि आज जितना हम पैदा कर रहे हैं आज के 10 साल बाद उतना ही पैदा हो, 50 साल बाद भी उतना ही पैदा हो, और आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम अच्छी क्वालिटी का पानी जमीन के अंदर मौजूद रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।